देवरिया जिले में कक्षा 11 के छात्र की उसके दोस्तों ने चाकू से मारकर निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि भलुनी थाना क्षेत्र के पहरी गांव का रहने वाला मृतक छात्र आदर्श गुप्ता को उसके मित्र महेश यादव सुबह करीब 10 बजे दिन में घर से बुलाकर बरहज थाना क्षेत्र के करौंदी के पास ले गया और चाकू से हत्या कर दी। आनन फानन में घायल छात्र को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई। हालांकि घर वालों ने इस मामले में मृतक के तीन दोस्त महेश, उमंग और प्रभात पर आरोप लगा रहे हैं। परिजनों को जब छात्र की हत्या की सूचना मिली तो परिजनों ने इमरजेंसी पर शव रखकर जमकर हंगामा काटा। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह समझाकर शव को मोर्चरी के लिए भेजा। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने बताया कि छात्र की हत्या हुई है और अभियुक्तों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन कर दिया गया है और जल्द ही खुलासा हो जाएगा। देवरिया से त्रिभुवन त्रिपाठी की रिपोर्ट। नाम के मालूम ले गो ले गो ये सूचना यही मिली है कि सुबह ये जमुना मठ पत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज जमुना मठ पत्री में पढ़ता है। सुबह एक करौती का लड़का आया और बैठा के इसको लेके गया और उसके बाद से सूचना मिली कि मतलब इसको चाकू को मार दिया गया है। अभी क्या हुआ है? अभी तो हम लोग प्रशासन से कार्रवाई के लिए मांग कर रहे हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। प्रशासन से जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और कार्रवाई करें। क्या कौन लड़का ले गया? एक महेश यादव नाम का करौती का रहने वाला लड़का है, वही लेके गया। क्या लगता है कि आपको क्या लगता है? अभी पता नहीं है, वो गिरफ्तारी होगी उसके बाद से ही पता चलेगा कि किस बात के लिए लोगों का लफड़ा हुआ। क्या नाम है आपका? राम कुमार गुप्ता। हम उसके चाचा हैं। ये जनपद देवरिया में भलूनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पडरी ग्राम की घटना है जहां एक युवक जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है उसे उसी के साथ पढ़ने वाले कुछ सहपाठियों द्वारा चाकू मारकर घायल किए जाने का मामला सामने आया। युवक को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। परिजनों से बात की जा रही है और जो भी तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो अपराधी हैं, जो अक्यूज्ड हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीम बनाई गई है। जल्दी ही अक्यूज्ड की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।